सब्सक्राइब कीजिए ऑसम यू चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट मेहंदी और फैशन रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो ही एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं मेहंदी लगाने से पहले अपने हाथों पे क्या लगाती हूँ, क्या अप्लाई करती हूँ जिससे मेरी हैंड्स बहुत ही शाइनी लगती है एंड ऑयली दिखती है। सो बहुत सारा कॉमेंट्स आ रहे थे एंड बहुत ही सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, इसलिए मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं क्या लगाती हूँ अपने हाथों पर मेहंदी लगाने से पहले। सो आप देख सकते हैं कि मैं अगर रेगुलर वीडियो भी बनाती हूँ तो मेरे हाथों पर मेहंदी का स्टेन नहीं आता है, वो इसलिए बिकॉज मैं कुछ ऐसा लगाती हूँ जिसकी वजह से मेरे हाथों पर स्टेन ना आए, बिकॉज मुझे रेगुलर वीडियोज़ बनानी होती हैं इसलिए। सो मैं अपने हाथों पे लगाती हूँ फेविकॉल। यस फ्रेंड्स, मैंने बहुत से लोगों को रिप्लाई भी किया था लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहे थे, तो मैंने सोचा इसके लिए एक डिटेल वीडियो बना लूँ। सो ये जो ट्रिक है ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो मेहंदी सीख रही हैं, डेली मेहंदी लगाती हैं, वो नहीं चाहती कि उनके हाथों में कलर आ जाए, या फिर वो जिनका यूट्यूब का चैनल है मेहंदी का, वो डेली वीडियोज अपलोड करती है, नहीं चाहती कि उनके हाथों में कलर आए। तो आप देख सकते हैं कि आपको फेविकॉल को इस तरह से अपने हाथों पर लगाना है, लगा के स्प्रेड कर देना है एंड उसको अच्छी तरह से ड्राई करने के लिए छोड़ देना है, एंड ड्राई होने के बाद वो कुछ इस तरीके का शाइनी शाइनी दिखेगा, जो कि आप हमेशा मुझसे कहते हैं कि आप अपने हाथों पे शाइनी शाइनी क्या लगाते, कौन सा ऑयल लगाते। जी नहीं, मैं फेविकॉल ही लगाती हूँ जो कि ड्राई होने के बाद कुछ इस तरीके की दिखती है, एक लेयर बन जाती है स्मूथ सी जिस पर आप इजीली मेहंदी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको मेहंदी डिज़ाइन लगा के भी दिखाऊंगी, ड्राई करके उसको रिमूव करके भी दिखाऊंगी, तो आप खुद डेमो देख सकते हैं। आने वाली है, इसके लिए मैं आप लोगों के साथ ईद का एक छोटा सा टैटू डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। तो डिज़ाइन लगने के बाद आप उसको अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ दें एंड आप देख सकते हैं कि मेहंदी जो हमारी ड्राई हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे आपको स्किन रिमूव करके दिखा सकती हूँ, ये जो लेयर बन जाती है शाइनी, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, इस तरह से ये रिमूव हो जाती है एंड यही उसका फॉर्मूला है जो कि इसको स्टेन आने नहीं देती है, कलर आने नहीं देती है स्किन पे। सो इसको हम प्रॉपरली वॉश करके आपको दिखाएंगे कि हमारी मेहंदी का स्टेन जो है वो आया है कि नहीं। सो आप देख सकते हैं कि कोई भी स्टेन नहीं आया है, मैं आपको वॉश करके दिखा रही हूँ एंड आप प्लीज़ खुद ट्राई ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरी बातों पे बिलीव नहीं हो रहा है। सो अगर आप भी एक मेहंदी यूट्यूबर हैं, डेली वीडियोज़ अपलोड करती हैं, या फिर आप भी मेहंदी सीख रही हैं, नहीं चाहती कि आपका कलर आए, तो आप ये ट्रिक ट्राई कर सकते हैं। आई होप कि आप सबको ये ट्रिक पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं क्या है, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।